If you want to experience a ride like never before, try electric with प्योर भी इंटरेस्ट नहीं हो इलेक्ट्रिक स्कूटर जानिए क्या है कीमत रेंज और फीचर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है प्योर भी इंटरेस्ट नियो के नाम से। आइए इसके बारे में जानते हैं फुल डिटेल। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए सबसे पहले गाड़ी का एक फर्स्ट लुक देखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये रहा दोस्तों प्योर ईवी का एंट्रेंस नियो, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से व्हाइट एंड ब्लैक कलर का बोल सकते हैं। व्हाइट कलर का पूरा बॉडी मेटल है और ब्लैक कलर का इसका सीट और आपका व्हील है, बाकी सारा जो है व्हाइट है, देख सकते हैं। जानिए इसकी कीमत रेंज फीचर सभी कुछ यहाँ पे डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो आइए जानते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में। प्योर ईवी भी कहीं कम नहीं है, अच्छा काम कर रही है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर दो पहिया वाहन जो बाजार में लॉन्च किया है जिसका नाम है प्योर ईवी इंट्रेंस नियो। उनमें से एक इंट्रेंस नियो एक बजट सेगमेंट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं बेहतरीन डिजाइन के साथ ये गाड़ी लॉन्च किया गया है। वहीं बात करते हैं तो आज हम इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में डिटेल जानने वाले हैं। प्योर ईवी इंट्रेंस की कीमत, टॉप स्पीड, पावर और सभी प्रकार की डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्योर ईवी इंट्रेंस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बजट सेगमेंट के इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। तो स्कूटर की डिजाइन नॉर्मल स्कूटर जैसा है देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में समय के साथ जो है कस्टमर के फीडबैक के अनुसार बदलाव भी करती आई है। इस समय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की थर्ड जनरेशन उपलब्ध है जिसे कई सुधारने के बाद जो है बाजार में लॉन्च किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं तो प्योर ईवी इंट्रेंस नियो की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया जो कि रिमूवेबल बैटरी है। इस बैटरी को फुल चार्ज करने में 4 घंटे का समय लगता है। कंपनी जो है बैटरी पर 40,000 किलोमीटर या फिर 3 साल की वारंटी दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक बार ये गाड़ी ले लीजिएगा 40 किलोमीटर चलने की यहाँ पे जो है सो आपको चलने की गारंटी मिल रहा है, साथ में 3 साल की गारंटी मिल रही है। आगे हम लोग बात करते हैं मोटर के बारे में। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 1500 वाट की BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो कि 2200 वाट का मैक्स पावर उत्पन्न करती है। कंपनी इस मोटर पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है। जी हां दोस्तों, कंपनी जो है मोटर पर भी वारंटी दे रही है। आगे बात करें टॉप स्पीड के बारे में। प्योर ईवी इंट्रेंस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि एक मिड स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनती है। स्कूटर में 3 राइडिंग मोड मिल जाता है जिसमें से पहला मोड आपको बता दें, पहला मोड पर टॉप स्पीड 35 किलोमीटर है, दूसरा मोड पर 45 किलोमीटर है और तीसरे मोड पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड यहाँ पे मिल जाती है देखने। आगे बात करते हैं इस गाड़ी के रेंज के बारे में। तो रेंज की बात करें तो यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने के बाद 120 किलोमीटर की रेंज देती है। वहीं अलग से इसमें बता दें दोस्तों, ड्राइविंग मोड पर रेंज अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपको बता दें पहले मोड में 120 किलोमीटर चलेगी, दूसरे मोड में 110 किलोमीटर चलेगी और तीसरे मोड में जो है 96 किलोमीटर पर चलेगी। वहीं बात करें तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो है तो अलग अलग रेंज यहाँ पे है। आगे हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एंट्रेंस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्रंट में 200 mm के डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर में ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है और इस स्कूटर में बता दें रिजर्वेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का भी फीचर्स दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, तो एंट्रेंस नियो के फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है और रियर में आपको बता दें स्प्रिंग कॉइल सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक बार डिटेल में दोस्तों। तो रेंज की बात करें तो 90 से 120 किलोमीटर मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर की बात करें दोस्तों तो 1500 वाट का BLDC मोटर मिल जाता है। बैटरी की बात करें 2.5 किलोवाट की जो है बैटरी मिल जाता है, लिथियम आयन बैटरी। चार्जिंग टाइम की बात करें 4 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाता है। वहीं कर्व वेट की बात करें तो 86 किलोग्राम इस गाड़ी का वेट है। वहीं लेंथ की बात करें 1345 mm है, जबकि व्हील टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील लगा हुआ है। व्हील साइज की बात करें दोस्तों तो 10 इंच का यहाँ पे जो है सो व्हील लगा हुआ है। वहीं टायर की बात करें ट्यूबलेस टायर यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करें तो लो बैटरी इंडिकेटर दिया हुआ है, तो यस इस पे दिया हुआ है। हेडलाइट की बात करें LED हेडलाइट दिया हुआ है और ग्रेविटी की बात करें तो 12 डिग्री का ग्रेविटी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे इस गाड़ी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इंट्रेंस न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स के बारे में। फीचर्स के मामले में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन प्राइस सेगमेंट के अनुसार इस स्कूटर में
फीचर्स आमतौर पर जो है कम देखने को मिलते हैं, फिर भी जो है कुछ जरूरी फीचर्स दिया गया है, जिसमें इसमें एलईडी हेडलाइट कंट्रोल क्लस्टर का इस्तेमाल किया गया है जो कि लेटेस्ट जनरेटर्स में मिलता है। स्कूटर की सुरक्षा के लिए एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है, रिनोवेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4 चाबी मिलती है जिसमें से 2 रिमोट और 2 नॉर्मल चाबी मिल जाता है। पार्किंग के लिए आपको पता है अलग से बटन दिया गया है और स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जहां से इस बैटरी को निकाल करके आप घर में चार्ज कर सकते हैं। आगे बात करें तो इंट्रेंस न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिजाइन और कलर ऑप्शन की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में नॉर्मल स्कूटर जैसा ही बनाया गया है। पहली बार देखने पर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसा नहीं लगता है, लेकिन साइड मोटर और सेफ्टी की बात करें अलग अलग डिजाइन बनाया गया है। पीछे की ओर लेडीज फुटेज दिया गया है जिसमें इंट्रेंस नियो 8 अलग अलग कलर ऑप्शन के साथ आता है। पहला कलर सिल्वर आ जाता है, दूसरा रेड आपका, तीसरा ग्रे है, चौथा व्हाइट कलर है, पांचवा आपका ब्लैक है दोस्तों, छठा ब्लू है, सातवां पीला और आठवां आपका ऑरेंज कलर है। टोटल 8 कलर के साथ गाड़ी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं तो प्योर ईवी इंट्रेंस न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस और बुकिंग के बारे में। तो प्योर ईवी इंट्रेंस न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम कीमत मात्र 87,999 रुपए है और इंट्रेंस न्यू का जो है कंपनी के दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर को इन डीलरशिप से यहां पे खरीदा जा सकता है। तो अगर आप प्योर ईवी का इंट्रेंस लेना चाहते हैं 87,999 रुपए में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा, सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से अलग से यहां पे मिलेगी। इस वीडियो में सारा डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं प्योर ईवी इंट्रेंस न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, फिर भी और भी कुछ जानकारी छूट गई हुई तो हमें माफ कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।